नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आटे के निर्यात पर लगाया बैन। मोदी थे पीएफआई के निशाने पर, केरल में बनी प्लानिंग ईडी का बड़ा खुलासा। बिहार में पटना रैली के दौरान मारने की साजिश थी, ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए। हरियाणा की खट्टर सरकार ने मानी किसानों की मांग, 1 अक्टूबर से खरीदेगी धान, खरीदी की लिमिट भी बढ़ाई। सीएम योगी ने की श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर की समीक्षा, कामों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मोटे अनाज को प्रोत्साहन, समय की मांग, जीवन शैली में बदलाव के कारण सामने आई कई बीमारियों को रोकने में सक्षम। लंपी वायरस का कहर जारी, कोरोना की तरह इसके भी हो सकते हैं वेरिएंट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से 2025 तक बदल जाएगी पूरी तस्वीर, बिछेगा राजमार्गों का जाल, कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही सरकार। आम आदमी पार्टी सही समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की करेगी घोषणा, मनीष सिसोदिया। आने वाले फेस्टिवल सीजन में मिल सकती है पेट्रोल और डीजल में राहत, लगातार कम हो रहे हैं कच्चे तेल के दाम। मोदी सरकार के आर्थिक सुधार के फैसलों के चलते गंभीर वैश्विक झटकों से उबरने में सक्षम हुआ देश। बारिश से मची आफत, 80 रुपए किलो के पार जा सकता है टमाटर, प्याज भी हो सकता है महंगा। मुसलमानों का आरक्षण 4 से बढ़ाकर 12% करे ओवैसी की तेलंगाना सरकार से मांग। कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध की तिहरी मार से जूझ रही दुनिया, भुखमरी से जूझ रहे लोगों की संख्या हुई दोगुनी। आम आदमी के लिए नई मुसीबत, अब व्हाट्सएप कॉल भी फ्री नहीं, सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट। दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करेगा भारत का घातक हथियार, पोखरण में AL-S-50 ने बरपाया कहर। घर बनवाना हुआ सस्ता, गिरे सीमेंट और सरिया के भाव, आम आदमी को मिली राहत। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता, सोलर टेक्सटाइल चिप समेत कई सेक्टर में चीन को दे सकता है टक्कर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया, गहलोत और थरूर के बीच मनीष तिवारी के नाम की भी चर्चा। सूखे से राहत दिलाने के लिए पीएम किसान योजना के जरिए झारखंड के किसानों को दी जा रही मदद। अमित शाह का नीतीश को शिकस्त देने का प्लान, कहा महीने में 2 बार आएंगे बिहार। देश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवाएं, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे लॉन्च। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों पर कसा शिकंजा, पैकेट पर बतानी होगी तेल की सही मात्रा। विपक्ष अलग अलग गठबंधन आजमा सकता है लेकिन मोदी की लोकप्रियता की बराबरी नहीं कर सकता, अनुराग ठाकुर। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को सुनवाई, याचिका में मान्य पटाखों को अनुमति देने की गुहार। केजरीवाल सरकार पर एक और नई मुसीबत, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर व यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। स्पैम कॉल और धोखाधड़ी मैसेज से मिलेगी मुक्ति, अश्विनी वैष्णव बोले जल्द ही आने वाला है नया कानून मसौदा तैयार। नई आफत की एंट्री, रूसी चमगादड़ों में मिला कोविड वायरस, मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं। 90 प्रकार की कृषि मशीनों पर सब्सिडी दे रही सरकार, 31 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तारीख। समंदर के नीचे से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, मुंबई में बनेगा पहला अंडर वाटर सी टनल। मुंबई में 1 अक्टूबर से ऑटो टैक्सी का भाड़ा बढ़ेगा, अब ऑटो में मिनिमम किराए 21 रुपए के बजाय 23 रुपए और टैक्सी में 25 रुपए के बजाय 28 रुपए से मीटर डाउन होगा। 42 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी, कहा वायु और ध्वनि प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। गुर्जर बकरवालों को साधा, अब पहाड़ियों को कोटा देने की बारी, मिशन कश्मीर पर अमित शाह फिर एक्टिव। मिथुन चक्रवर्ती ने फिर किया दावा, तृणमूल के 21 विधायक भाजपा के संपर्क में, लड़ाई जारी रहेगी। सूरज में लगातार विशालकाय हो रहा है रहस्यमयी स्पॉट, 2 दिनों में 10 गुना बढ़ा आकार, पृथ्वी पर सीधा असर। 27 साल पुरानी पार्टी को उखाड़ फेंकेगी गुजरात की जनता, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे राघव चड्ढा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देश पर बुरी नजर डालने वाली किसी भी ताकत को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है भारतीय सेना। मोटापे की वजह से किसी अन्य बीमारी के इलाज का क्लेम देने से मुकर नहीं सकती बीमा कंपनी, जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला।
अमेरिका में ग्रीन कार्ड आवेदनों को 6 महीने में निपटाने पर मंथन, लाखों अनिवासी परिवारों को होगा लाभ। सवरेंगे छत्तीसगढ़ में बिगड़े बांस के वन, बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना में आई तेजी। अब आग दिखाने पर मिलेगा राशन, झारखंड राज्य में लागू होगी योजना, पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। शराब पीकर करते हैं ड्राइविंग तो हो जाए सावधान, नई टेक्नोलॉजी से गाड़ी खुद हो जाएगी बंद, लगेगी स्पीड पर ब्रेक। बाजारों में लौटेगी बहार, त्योहारों में बीते साल से 1.5 गुना ज्यादा खर्च करेंगे 65% परिवार, मॉल में 20% बढ़ेगी आवाजाही। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा रोजगार और स्वरोजगार शासन की प्राथमिकता। केवल एक लाइन का सबक देकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने पीएम मोदी, अब शांति दूत की भूमिका निभाने की मांग। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर, भारत मौजूदा वित्त वर्ष में हासिल करेगा 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश। आईएनएस विक्रांत के लिए 26 लड़ाकू विमान खरीदेगी नौसेना, बोइंग ने दिया सुपर हॉर्नेट का ऑफर। वन मैन वन पोस्ट को दिखाया अंगूठा, मंत्री बोले गहलोत हो अध्यक्ष, साथ ही संभाले सीएम पद। केरल सीएम विजयन कांग्रेस पर कसा तंज, कहा पार्टी राज्य में अपनी लोकसभा सीटों को नहीं रख पाएगी बरकरार। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से मिली बड़ी राहत, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मोबाइल टावर लगाने के लिए नहीं होगी इजाजत की जरूरत। रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, क्यूआर कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। बंगाल में अब केजरीवाल देंगे सीएम ममता को चुनौती, खुलेगा आम आदमी पार्टी का कार्यालय। कोविड से लंबे समय तक संक्रमित रहे लोगों से बन सकते हैं नए वेरिएंट, स्टडी में हुआ खुलासा। बीजेपी का घर वापसी प्लान, निकाय और लोकसभा चुनाव को एक साथ साधने की कोशिश। लालू दिल्ली रवाना, नीतीश के साथ सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, कहा बीजेपी का सफाया तय। कर्नाटक में मदरसों की जांच करेंगे अधिकारी, शिक्षा मंत्री बोले माता पिता से मिली कई शिकायतें। राज्यपाल ने पंजाब सरकार से मांगा विशेष सत्र का एजेंडा, सीएम मान ने कहा 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बीएसएनएल बेचेगी 10,000 मोबाइल टावर, कंपनी का 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का मकसद। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करेगा भारत का घातक हथियार, पोखरण में AL-50 ने बरपाया कहर। जी हाँ, स्वदेशी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन ने दुनिया को भी हैरान कर दिया है। अब भारत ने जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में AL-50 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ड्रोन कैमरे से लैस AL-50 टारगेट पर सटीक निशाना लगाया, इससे पहले इसका लद्दाख में भी परीक्षण किया जा चुका है। दोनों परीक्षण सफल रहने के बाद इस घातक हथियार के भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीदें बढ़ गई है। AL-50 लॉटरिंग म्यूनेशन एक तरह का मिसाइल है जो ड्रोन की तरह काम करता है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। यह हथियार वर्टिकल टिक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इसे संकरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो देश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवाएं, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे लॉन्च। जी हां, देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। लॉन्च के बाद लोगों को 5G सेवाओं का इंतजार खत्म होगा। सरकार के नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने आज ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शन इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। 5G सेवा में आंकड़ों को भेजने और पानी की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाली है। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, वहीं नए दौर के कई एप्लीकेशंस को भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लंपी वायरस का कहर जारी, कोरोना की तरह इसके भी हो सकते हैं वेरिएंट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हाँ, लंपी वायरस इस वक्त पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना महामारी के बाद देश लंपी वायरस से लड़ रहा है। यह नया वायरस पशुओं पर कहर बरपा रहा है, लंपी त्वचा रोग जिसको लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। अब लंपी वायरस के भी कोरोना की तरह वेरिएंट बदलने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने इस वायरस के वेरिएंट बदलने की आशंका जताई है। वैज्ञानिक भी इस समस्या पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल किसी भी वायरस से बचाव के लिए दवा या वैक्सीन निर्धारित होती है। यदि वायरस वेरिएंट बदलता है तो सबसे पहले निर्धारित दवा का असर ही कम होने लगता है।
वायरस वेरिएंट में इसलिए बदलता है ताकि लंबे समय तक किसी जैविक बॉडी में रह सके। पहले यदि कोई पशु लंपी की चपेट में आया है तो वेरिएंट बदलने पर दोबारा वायरस अपनी गिरफ्त में ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की नई मुसीबत, व्हाट्सएप कॉल भी फ्री नहीं, सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट। जी हां, जल्द ही व्हाट्सएप, स्काइप, जूम, टेलीग्राम और गूगल ड्यूओ जैसे ऐप्स पर कॉलिंग के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। दरअसल वीडियो कम्युनिकेशन और कॉलिंग ऐप्स के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए केंद्र ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है। नए ड्राफ्ट में व्हाट्सएप, जूम और गूगल डुओ को टेलीकॉम लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। बिल का ड्राफ्ट सभी के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही विभाग ने बिल पर इंडस्ट्री के सुझाव भी मांगे हैं। अगर बिल पास होता है तो दूरसंचार विभाग इसके हिसाब से चलेगा। ड्राफ्ट में कई नई चीजें शामिल की गई है। इसके मुताबिक सभी कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को अब लाइसेंस लेना होगा। इन्हें भारत में कामकाज करने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।